महिलाओं की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताने वाली योगी सरकार के शासनकाल में लड़कियों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव में सामने आए कांड में फंसे बीजेपी विधायक कुलदीप को लेकर पार्टी की जमकर फजीहत हुई थी। अब एक बार फिर से उन्नाव में एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला कांड सामने आया है। बता दें आपको, यहां पर एक लड़की ने छेड़खानी से परेशान होकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। सुनिए इस मामले पर मृतका की मां ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए क्या कहा है। मेरा सुदेवी, क्या है मामला? मामला ये है कि एक साल से चलता रहा, हमने जाने पाया तब हमारी लड़की को मोबाइल दिया था। मोबाइल मेरे पावा हाथ में लड़की को पूछा, कहले राहुल ने दिया। फिर मेरी लड़की गांव गई थी, गांव में लड़की को फिर मोबाइल दिया। फिर हमने धमकी पूछा, फिर बता कर पुलिस के पास गए। पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं किया। वे लोग हमारे पे दबिश डाल रहे थे, कह रहे थे कि रहना हो रहो, नहीं आप चले जाइयो। तो हम क्या करें, परेशान हो गन। दो बार हो चुका है, तिबारा मेरे लड़के के यहाँ फिर धमकी दिया। धमकी दे के कहे गए बता दोगे घर में तो माँ बाप से कहो भाई को मार डालेंगे। तो वही इस मामले पर पुलिस ने ये जानकारी दी है। को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के ग्राम पटियारी एक लड़की द्वारा सुसाइड कर लिया गया। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 130 प्रकार धारा 306, 504, 506 पंजीकृत किया गया, जो प्रारंभिक रूप से जांच में आया है कि जैसा बताया गया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसी के तंग आकर उसने ये कदम उठाया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद विवेचना की जा रही और शीघ्र ही हम अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्ष्यों के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। खैर, जिस तरह योगी शासनकाल में महिलाओं के साथ मामले सामने आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।